नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश विषय और राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर RSCERT उदयपुर आपका एग्जाम करवाती है। तो RSCERT उदयपुर द्वारा जारी ये मॉडल पेपर, बोर्ड परीक्षा का जो ये मॉडल पेपर है उसको हम करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा का नाम क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन कम्प्लीशन सर्टिफिकेट एग्जाम, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। आपको ध्यान होगा कि आपकी परीक्षा का नाम क्या होगा, तो एलिमेंट्री एजुकेशन कम्प्लीशन सर्टिफिकेट एग्जाम इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। बोर्ड परीक्षा द्वारा जारी, बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है, सोलवड इसको हम करेंगे। क्लास 8th है और इंग्लिश विषय होगा अपना। आपका जो समय होगा वो प्यारे विद्यार्थियों 2.5 घंटे का होगा और आपका जो मार्क्स होंगे वो 80 मार्क्स का ये पेपर होगा। 4 पार्ट में यानी 4 पार्ट में पेपर बटा हुआ होगा। सबसे पहला जो पार्ट होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो आपके ऑप्शन दिए हुए होंगे और उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। वी शुड वाश यूअर हैंड ईटिंग फूड। यू शुड आपको वाश यानी धोने चाहिए यूअर हैंड आपके हाथ ईटिंग फूड। खाना खाने से पहले आपको क्या करना चाहिए? हाथ धोने चाहिए। तो इसमें तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने गैस कर लिया होगा कि इसमें से आफ्टर आएगा, बिफोर आएगा, या बिटवीन आएगा, या नॉन आएगा। नॉन का मतलब कोई नहीं। तो हाथ कब धोने चाहिए? खाना खाने से पहले यानी बिफोर ईटिंग फूड। सीता कैन रीड इंग्लिश नोवल। सीता है वो इंग्लिश नोवल पढ़ सकती है। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि ये लड़की है तो लड़की से पहले क्या आएगा? सी आएगा। तो सी इज वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है इसलिए क्या पढ़ सकती है? इंग्लिश नॉवल। नेहा, थर्ड अपना पर्सन है वो है नेहा, वांट ए न्यू ड्रेस, सो सी विल गो टू द मार्केट टुमारो। नेहा एक ड्रेस लाना चाह रही है, नई ड्रेस, इसलिए वो कहाँ जाएगी? मार्केट जाएगी। विल का प्रयोग जाएगी। Which of the underline letter in the following word in a different sound। ये जो underline दी हुई है छोटी सी, इन से different sound निकल रही है वो select करना है। कौन से अलग sound निकल रही है? तो इससे निकलेगी run, put, sun, fun। अन की ध्वनि आ रही है इसमें, रन में, सन में, फन में, लेकिन पुट ऊ की ध्वनि आ रही है तो बी है वो साउंड में अलग हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स। इनमें से कौन सी जो थिंग्स है, चीज है, वो नॉट रिलेटेड नहीं है किससे? गेम से, खेल से। तो राकेट, बैट, हॉकी, ये सब खेल से संबंधित है। नाइफ नहीं है क्योंकि चाकू है। होनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो इसके इससे पहले दा आएगा, ए आएगा, एन आएगा, या नोन। तो होनेस्टी ईमानदारी को बताने के लिए दा का प्रयोग किया जाएगा। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक। ये जो मीनिंग दी हुई है RIGST, राइट, ट्रू, ब्लंडर और फ्यूचर, ये सही है लेकिन ब्लंडर है उसमें मिस्टेक है। सेकंड अपना जो पार्ट होगा वो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से होगा। आपके रिक्त स्थान दिए हुए होंगे और इन रिक्त स्थानों में आपको भरना है। क्या भरना है? प्ले, रीड, नोन, नो बैग डे और स्टूडेंट,
ये शब्द हैं, ये आपको इन रिक्त स्थानों में भरने, कंप्लीट द पैसेज, ये पैसेज है इसको कंप्लीट करना है, गिवन ब्लू यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। वी हैव क्या आएगा, नॉन बैग डे, सबसे पहले क्या आएगा, नो बैग डे, वी हैव नॉन बैग डे एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन आवर स्कूल। नो बैग डे आपके शनिवार को, हर शनिवार को नो बैग डे एक्टिविटी है, वो हर एवरी सैटरडे हर शनिवार को होती है आवर स्कूल, हमारी स्कूल में। ऑल द स्टूडेंट आर वेरी एक्साइटेड एंड इन्जॉय द होल डे। तो स्टूडेंट हैं वो एक्साइटेड रहते हैं, इन्जॉय करते हैं पूरे दिन। दे मैनी प्ले गेम्स, तो इसमें प्ले आ जाएगा, PLAY ये आ जाएगा, प्ले गेम। दे एल्सो रीड स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज, मॉरल नैतिक जो स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, वो भी पढ़ते। राइट द प्लूरल ऑफ द फ्लोविंग वर्ड, राइट द प्लूरल ऑफ द फ्लोविंग वर्ड। प्लूरल हिंदी में जिसको एक वचन और बहुवचन बोलते हैं, तो एक वचन है उसको बहुवचन करना है। लीफ मतलब होती है पत्ती, लीव्स मतलब होती है पत्तियां, LEAVES। F को किस में बदलना है, VES में। टीचर, तो टीचर के तो सिर्फ S लगाना है, टीचर्स हो जाएगा। राइट द मिसिंग लेटर इन द फ्लोविंग वर्ड, बीच में मिसिंग वर्ड हैं वो आपको क्या करने हैं, लेटर मिस हैं उनको पूरा करना है। ब्यूटीफुल BAUTFUL ब्यूटीफुल, इस प्रकार से। दूसरे में हो जाएगा एक्सपेंसिव, एक्स गायब है, एस के बाद आई गायब है, तो एक्सपेंसिव। वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन, हमें क्या करना चाहिए, मोबाइल फोन को अवॉइड करना चाहिए। व्हील ड्राइविंग, जब हम क्या कर रहे हो, वाहन चला रहे हो। वी रिमाइंड सेफ सो दैट, ताकि हम क्या हों, सेफ हों, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, सो दैट हम फोन को अवॉइड करेंगे ड्राइविंग करते समय, सो दैट सेफ, तो हम घर सेफ्टी से पहुँच जाएंगे। अरेंज द फ्लोविंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मिस्टेक मीनिंगफुल सेंटेंस, फ्लोविंग वर्ड है वो प्रॉपर ऑर्डर से करना है अपन को, ये जो मिस्टेक है इसमें इसको प्रॉपर ऑर्डर से करना है, यानी क्रम से करना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, 2 मार्क्स का अपना क्वेश्चन होगा ये। डॉक्टर अशोक, सबसे पहले किसका नाम है, डॉक्टर अशोक का, हिज सहायक क्रिया हैड। फिर दूसरा जो वाक्य है, वी प्यूपिल आवर एजुकेट वी मस्ट, इसको हम सही अरेंज करेंगे तो वी मस्ट, वी के बाद मस्ट एजुकेट आवर प्यूपिल। फन इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, ये जो कुछ वर्ड हैं 2 मार्क्स का होगा ये, राइट वियर जेब्रा क्रॉसिंग स्टैंड, जेब्रा क्रॉसिंग और क्रॉसिंग इसका मतलब रोड सेफ्टी, रोड से संबंधित नियमों की बात यहाँ हो रही है। वी शुड ऑलवेज, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, शुड का मतलब होता चाहिए। हेलमेट व्हीलर राइडिंग ए बाइक, पहनना चाहिए, हेलमेट को क्या करते हैं, पहनना, वेयर, वेयर का मतलब पहनना, तो हमें ड्राइविंग करते समय, राइडिंग बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग, जब हम रोड को क्रॉस कर रहे हों, रोड पे चल रहे हों, तो किसका ध्यान रखें, जेब्रा क्रॉसिंग का, टू क्रॉस द रोड। थर्ड जो पार्ट होगा, प्यारे विद्यार्थियों,
वो आपका होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये जो अपना पैराग्राफ होगा रीड द पैसेज, इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और ये नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं आपके इन प्रश्नों के उत्तर देने। अब प्रश्न को ध्यान से देख लेते हैं हम, क्योंकि जो अपना पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें से आंसर सेलेक्ट करना बहुत सरल होता है। पहले हम पैराग्राफ को भी केयरफुली पढ़ सकते हैं, पैराग्राफ से प्रश्न है वो भी हम पढ़ सकते हैं। व्हाट डिड टू ए काचल, इसको ढूंढेंगे फिर हम। व्हाई डिड द इंजूरियस वाइफ वॉक हिम अप टू 6 AM, फाइंड द अपोजिट वर्ड, ये वर्ड दिए हुए हैं जैसे स्टार्ट है इसका अपोजिट वर्ड हमें इसमें मिलेगा पैराग्राफ में, केयरलेस है इसका भी मिलेगा, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। द स्टोरीज फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार एची प्लेज को इंड्यूस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कौन था कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर। पहले प्रश्न का आंसर मिल गया हमें, दूसरे का 6 AM, दूसरे का आंसर है वो एकदम इसके नीचे ही है, ही इससे अगला ही है, ही वाइफ वॉक हिम 6 AM बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्विक। फिर हमें अपोजिट वर्ड ढूंढने हैं, अपोजिट वर्ड में हम देखते हैं कि स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, स्टॉप का मतलब होता है रोक देना, स्टॉप्ड हमने पढ़ा था, केयरफुल केयरलेस का मतलब होता है लापरवाही, और केयरफुल का मतलब होता है सावधानी। व्हाट हैपेंड आफ्टर द टुमारो स्टॉप्ड, तो सी सा द सी राइजिंग ऊपर हमने देखा था। What did the family do after feeling an earthquake? ये भी हमने देखा था कि after feeling an earthquake the family rushed out the home, फैमिली कहाँ घर से बाहर आ गई। What happened after Ignatius felt the earthquake? तो when Ignatius felt the earthquake we carefully took the television set off its table and put down on the ground so that it would not fall and break। क्वेश्चन 19 से 20 करने के लिए इस पैसेज को हमें पढ़ना होगा केयरफुली, रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन बिलो। बिफोर द गेंट वेज स्लैम्ड इन टू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका वर्ल्ड द डोमेस्टिक एनिमल सीम्ड नाउन What was about to happen? They filled to safety according to every witness accounts. Elephant screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoor. Flamingo abandoned their low लेंग। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। पैराग्राफ में से उत्तर आपको सिलेक्ट करना है, प्रश्न के कुछ शब्द हैं उन्हीं को आप मिलाएंगे तो आसानी से
इनके आंसर आप दे पाएंगे। द प्लेनेट ऑन विच वी लिव, तो इसके लिए क्या शब्द है? अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। न्यूज़पेपर आर आवर गुड फ्रेंड, न्यूज़पेपर हैं वो हमारे क्या हैं? अच्छे मित्र हैं। न्यूज़पेपर ब्रिंग अस न्यूज एंड व्यूज फ्रॉम द करेक्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व से हमें उस न्यूज़पेपर से क्या प्राप्त हो जाती है? न्यूज और व्यूज प्राप्त हो जाते हैं कि क्या चल रहा है विश्व में। न्यूज़पेपर अल्सो गिवन द आर्टिकल अल्सो काइंड ऑफ टॉपिक्स सच ए पॉलिटिकल सोसाइटी, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक घटनाओं के बारे में पता चलता है। सामाजिक सोशल, सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था से संबंधित, एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित, स्पोर्ट्स और बिजनेस, स्पोर्ट्स से संबंधित भी बिजनेस। सम न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड डेली, कुछ न्यूज़पेपर हो डेली पब्लिश्ड होते हैं, दे आर कॉल्ड डेली। वी मस्ट कलेक्टिव द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, तो हमें डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की जो हैबिट है वो डालनी चाहिए। वन हु ड्रीम्स ऑफ बीइंग ए जर्नलिस्ट, मेरा जो सपना है, नोट स्पेयर वाई विदाउट रीडिंग द न्यूज़पेपर, द स्टूडेंट शुड रीड न्यूज़पेपर डेली, बच्चों को, स्टूडेंट को, विद्यार्थी को डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। वी विल हेल्प देम टू साइन इन कम्पिटेटिव एग्जाम, और ये हमारे जो कंपटीशन एग्जाम होता है कम्पिटेटिव एग्जाम उसमें भी हेल्पफुल होते हैं। वाट डू न्यूज़पेपर ब्रिंग टू अस, वाट डू न्यूज़पेपर ब्रिंग टू अस, तो न्यूज़पेपर क्या क्या लेके आते हैं? तो हमारे लिए खबर लेके आते हैं और व्यूज लेके आते हैं, कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड पूरे विश्व के हर एक कोने से। वाट काइंड ऑफ आर्टिकल आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, तो पॉलिटिकल संबंधी, सोशल, इकोनॉमी संबंधी, खेल संबंधी, एजुकेशन संबंधी ये आर्टिकल हैं पब्लिश्ड होते हैं। आइडेंटिटी एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फ्लोविंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज, तो वन हु गोज टू स्टूडेंट स्टडी इन द स्कूल, जो वन हु गोज स्कूल में जो अध्ययन करने जाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्टूडेंट, स्कूल में अध्ययन करने वालियों को क्या कहते हैं? विद्यार्थी, स्टूडेंट। न्यूज़पेपर पब्लिश्ड डेली आर कॉल्ड, जो डेली पब्लिश होते हैं उनको क्या कहते हैं? डेलीज, दैनिक, जैसे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण। वाई वुड वी कलेक्टिव द हैबिट ऑफ रीडिंग, हमारी हैबिट कैसी होनी चाहिए? न्यूज़पेपर नाउन दैट ए हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, हाउ डू न्यूज़पेपर हेल्प द स्टूडेंट, जो न्यूज़पेपर हैं वो स्टूडेंट की हेल्प कैसे करते हैं? तो न्यूज़पेपर हेल्प स्टूडेंट साइन इन कम्पिटेटिव एग्जाम, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें विद्यार्थियों की हेल्प करते हैं। रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल गिवन वर्ड, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के सिर्फ हैश लगाना न्यूज़पेपर्स हो जाएगा। रीरेंज द फ्लोविंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, ये जो वाक्य हैं इनको सही सीक्वेंस में क्या करना है? आपको अरेंज करना है। और ये होगा अपना 5 मार्क्स का, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 5 करने हैं अपन को। वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM, तो लास्ट संडे वी वांट, इन पहले इनको पढ़ना है कहानी के रूप में करना है। वी रिटर्न होम इन द इवनिंग 5 PM, लास्ट संडे वी वेंट टू फॉर ए पिकनिक। वी आर फुट टुगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM, वी परचेज्ड स्वीट एंड नमकीन ऑन द वे, तो हम लास्ट संडे हम कहाँ जाते हैं? पिकनिक पे जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं? कुछ नमकीन वगैरह हम खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? नमकीन,
स्वीट्स नमकीन्स वगैरह खरीदते हैं, वी फूड टुगेदर, और हम साथ में खाना खाते हैं, बाद में क्या करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, फिर ये हो जाएगा डी वाला। उसके बाद क्या हो जाएगा, वी परचेज, ये हो ही गया, वी रिटर्न, वी प्लेड फुटबॉल एट 4 PM, और बाद में हम क्या करते हैं 4 बजे फुटबॉल का मैच करते हैं, वी रिटर्न होम एट द इवनिंग 5 बजे, और 5 बजे हम घर वापस लौट आते हैं। ये पूरा सीक्वेंस में था, ऐसे करना है। पार्ट 4 होगा, उसमें आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे, उसमें सबसे पहले आपके होगा वो होगा इमेज, इमेजिंग दैट यू आर अमित, रेखा फ्रॉम जयपुर, जयपुर से हैं आप, लड़का हो तो आपका ये नाम है, लड़की हो तो रेखा नाम है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनविटिंग हिम हर टू ज्वाइन हर योर सिस्टर मैरिज, आपकी बहन की शादी को ज्वाइन करने के लिए अपने दोस्त को क्या लिखना है, लेटर लिखना है। सबसे पहले आप डेट लिखोगे, जवाहर नगर जयपुर से लिख रहे हो, आप परीक्षा की डेट लिख दें, परीक्षा हॉल लिख दें उस तारीख को जिस तारीख को पेपर है, किस और बाईं साइड, अपनी बाईं साइड, डियर मोहन, दोस्त को डियर डियर के रूप में संबोधित कर दें। आई एम गार्ड टू इन्फॉर्म दैट, मैं खुश हूँ आपको इन्फॉर्म करते हुए, दैट यू द मैरिज ऑफ माई सिस्टर, मेरी बहन की क्या है, सिस्टर की शादी होने जा रही है, गोइंग यानी होने जा रही है, टू ए टेक प्लेस ऑन March 20, 2024, द मैरिज पार्टी विल कैम फ्रॉम अजमेर, पार्टी हो कहाँ होगी, अजमेर में होगी, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट है टू कम एंड ज्वाइन द कॉरमनी, मतलब इस समारोह को आप ज्वाइन करें, रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू कैम ए लेट लास्ट ए वीक बिफोर विद बेस्ट रिगार्ड ऑफ यूअर पेरेंट्स यूअर सिंसियरली कौन, अमित, और लड़की है तो रेखा, अथवा में दिया हुआ होगा, आप ऊपर वाला कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं, जो आपको अच्छे से आए। इसमें है कि आप रमेश हो या अरुणा हो, राइट एंड एप्लीकेशन टू हेडमास्टर, आपको एप्लीकेशन लिखनी है अपने हेडमास्टर को, रिक्वेस्टिंग हिम टू एडमिशन टू क्लास 9th गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अजमेर। सबसे पहले आप कहाँ से लिख रहे हैं, अजमेर से लिख रहे हैं, किसको, द हेडमास्टर को, गवर्नमेंट स्कूल के अजमेर, और एडमिशन किस सब्जेक्ट क्या है आपका, एडमिशन लेना चाह रहे हैं क्लास 9th में, रेस्पेक्टेड सर, क्योंकि सर हैं तो इसलिए रेस्पेक्टेड होगा, डियर नहीं होगा यहाँ क्योंकि सर को लिख रहे हैं, तो रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई, नम्र निवेदन है कि मैं, आई हैव पास्ड क्लास 8th, मैंने क्या कर ली है, पास क्लास 8 है वो पास्ड कर ली, यानी पास कर ली है, मैं पास हो चुका हूँ क्लास 8 में, द फर्स्ट डिवीजन, किस डिवीजन से, फर्स्ट, माई फादर इज हैज बीन ट्रांसफर्ड हेयर, मेरे पिता का ट्रांसफ़र यहाँ हो गया, सो दैट आई सीक एडमिशन इन आवर स्कूल, इसलिए मैं आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ, काइंडली एडमिट मी टू क्लास 9th, और मुझे 9th क्लास में एडमिशन दे, सेल बी हाईली ओब्लीड टू यू, यू आर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य कौन है, रमेश। राइट ए शॉर्ट नोट्स, इसको देखकर आपको एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, विजिट फॉर ए फियर, 100 वर्ड, शब्द कितने होंगे, 100 वर्ड, 100 होंगे, हाउ यू मे यूज द फ्लोइंग क्लोज, ये इन शब्दों का यूज आप कर सकते हैं, इन शब्दों का यूज करते हुए आप ये विजिट टू ए फेयर लिखें, लास्ट वीक आई रीच डे फेयर, मैं पिछले सप्ताह कहाँ पहुँचता हूँ, एक मेले में पहुँचता हूँ, इन आवर विलेज, गांव के एक मेले में जाता हूँ, इट इज़ ए फेमस फेयर ऑफ चंद्रभागा, ये मेले की विशेषता बता दें आप, चंद्रभागा मेले मेला है वो कब लगता है, किस महीने में लगता है, तो कार्तिक मास के महीने में लगता है, और कितनी दुकानें लगती, हाउ मैनी मैनी टेम्परेरी शॉप, यानी मेले में दुकानें टेम्परेरी होती, वो सुबह लगती शाम को उठ जाती, टू सेल स्वीट्स, और वो क्या क्या बेचते हैं, मिठाइयाँ बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, खिलौने बेचते हैं, टॉयज यानी खिलौने, देयर वाज ए हैंग मैरी गो राउंड, इंजॉय टू वेरी मच, और हम मेले को बहुत इंजॉय करते हैं,
देयर वाज, क्योंकि मेले को सभी इंजॉय करते हैं तो आपको वो चीज़ें बतानी है कौन कौन सी चीज़ें आपने वहाँ मेले में इंजॉय की। ऊपर वाला नहीं करेंगे तो नीचे वाला आप कर सकते हैं। ये क्या है, राइट ए स्टोरी इन 70-80 वर्ड विद द हेल्प गिवन आउटलाइन। ये जो आउटलाइन है इनकी हेल्प लेते हुए आप कहानी लिख सकते हैं। और कहानी किसकी है, ए डॉग हंग्री। और क्योंकि कहानी हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है, वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो ए डॉग वाज वेरी हंग्री, कुत्ता था वो बहुत भूखा था। इट वंडर्ड हेयर एंड दियर सर्च द फूड, तो वो इधर से उधर किसकी खोज में घूम रहा था, खाने की खोज में। बाई चांस वी फाउंड ए पीस ऑफ बोन नियर ए बचर शॉप, तो उसे एक मांस की हड्डी मिल जाती है जो बच्चर होता है ना उसके दुकान के पास। वांटेड टू इंजॉय टू इट क्विट प्लेस, तो उसे एक जगह पे लेके जाता है, हेड क्रॉस ब्रिज, जो कि ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है, व्हील क्रॉसिंग ब्रिज, इट सा ए रिफ्लेक्शन, तो वो क्रॉस जब क्रॉसिंग कर रहा होता है, ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है, तो अपनी छाया देख लेता है वाटर में, पानी में। द डॉग थ्रो टू अनोदर डॉग, वो सोचता है कि दूसरा कुत्ता है वो, उसने भी अपने मुंह में वो हड्डी है वो दबा रखी है। ग्रेडी डॉग, कुत्ता था वो लालची था, डॉग वांटेड टू टेक, वो चाहता था कि मैं वो हड्डी भी ले लूँ, एक हड्डी मेरे पास है, एक मैं दूसरे से भी ले लूँ, छीन लूँ, क्योंकि कुत्ते की जो होती है वो प्रकृति होती है इस प्रकार की, वो भी छीन के खाना पसंद होता है उसे। इट ओपन्ड इट्स माउथ एंड बार्क, वो जैसे ही अपना मुँह खोलता है बोलने के लिए, एज सून ओपन्ड इट्स माउथ द पीस ऑफ बोन इन फॉल इन टू द वाटर, और वह पानी में गिर जाता है, जो होता है वो भी गिर जाता है। नाउ द डॉग वाज वेरी सैड, और अब कुत्ता है वो बहुत उदास होता है। कहानी का मोरल क्या है, ग्रेडी इज ए कोर्स, लालच बुरी बला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मॉडल पेपर हमने हल करने की कोशिश की, मुझे उम्मीद है कि आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट में ज़रूर मददगार साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट और अगले टॉपिक के साथ, अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी बढ़ें और दूसरों को बढ़ने में आगे बढ़ने में मदद करें। आप ये डॉग की तरह लालची नहीं हो, ग्रेडी नहीं हो। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।